हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर एंड स्टूडियो और आप देख रहे हैं द वर्जन टू। वी आर डूइंग 365 डेज चैलेंज, जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं ऑन ओरल हेल्थ एजुकेशन एज वेल एज डेंटिस्ट्री। अगर डेंटिस्ट्री के रिलेटेड या दांतों के रिलेटेड आपकी कोई शिकायत है या कोई प्रॉब्लम है जिसके रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, उसके लिए सारी डिटेल्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लीनियर एल्बा के बारे में, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन पेशेंट को अमूमन ऐसा लगता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है या ये आगे जाके कैंसर हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, पेशेंट कभी घबराते हैं इस चीज़ को लेके। तो आइए जानते हैं ये लीनियर एल्बा क्या है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जिन लोगों को अपनी गालों को काटने की आदत होती है ऐसे, या जिन लोगों को रात को टीथ ग्राइंड करने की आदत होती है, या नॉर्मली भी जिनके बक्कल फैट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो अक्सर उनके जो गाल है वो जब वो दांत बाइट करते हैं बोथ साइड, वो गाल उसके बीच में आती है बार बार, उस कारण गाल पे एक वाइट लाइन बन जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक। और जब वो अपना मुंह खोलते हैं देखते हैं कि एक सफ़ेद धारी सी बनी हुई है उनके मुँह में, तो वो घबरा जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, कहीं उनको मुंह का कैंसर तो नहीं हो रहा या क्या हो रहा है। स्पेशली जो लोग पान ज़्यादा तंबाकू खाते हैं और उनको ऑलरेडी मुंह में लीजन्स हैं, साथ में उनको ये वाइट लाइन जब दिखती है तो वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये वाइट लाइन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि वो वाइट लाइन सिर्फ आपके चबाने की वजह से हो रही है, जिसे हम कहते हैं लीनियर एल्बा। मोस्टली ये दोनों तरफ होती है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मुँह में भी ऐसी वाइट धारी या लाइन है तो जानिए कि उसे हम कहते हैं लीनियर एल्बा। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, दांत बाइट करने की वजह से हो जाती है, इसलिए घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। ये कोई सीरियस चीज़ नहीं है, इससे कोई कैंसर नहीं होता है, ये नॉर्मल सी दांत की बाइटिंग की वजह से आपको वो वाइट धारी पड़ रही है, इसलिए घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द पोस्टीरियर टीथ टू द इंटीरियर टीथ, ठीक है, लास्ट से यहाँ तक अलॉन्ग द फ्यूजन प्लेन, जहाँ पे दो दांत जुड़ते हैं उस लेवल पे आपकी गाल पे एक वाइट रंग की धारी होती है। तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपकी है तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि ट्रीटमेंट करवाना है तो अपने डेंटिस्ट को दिखा दें, जो भी आपकी दांतों की शार्प कस्ट होंगी उसको राउंड ऑफ किया जाएगा और वो हफ्ते दो हफ्ते में या ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने में कम्प्लीटली बैनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी, इसलिए घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों को लाइक एंड गैनस ब्लू को लेके है, वो संभव होता है जब उनमें ये वाइट लाइन दिखती है तो वो और घबरा जाते हैं कि ये कुछ एडिशन तो नहीं हो गया उनके प्रॉब्लम में। तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशली है कि ये जो है ये नॉर्मल चीज़ है, ये आपकी बीमारी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। इसके अलावा ओरल लीजन्स के बारे में या डेंटिस्ट्री के बारे में, अपनी डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो उसके लिए मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट करें। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर एंड स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टॉक। सी यू टुमारो।